हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एन क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फोर्टीन हाउ बिग हाउ हैवी और ये है पार्ट वन वीडियो इसमें हम इस चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उसको सबसे पहले समझने वाले हैं तो उसके लिए हमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को रीड आउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा सो लेट स्टार्ट सारिका कलेक्ट्स थिंग्स लाइक मार्बल्स कॉइंस इरेजर जैसे हम यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं सारिका बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ों को कलेक्ट करती है और फिर क्या करती है शी टेक्स सम वाटर इन अ ग्लास एंड मार्क्स द लेवल ऑफ वाटर एज ज़ीरो तो सारिका ने इस तरीके से एक ग्लास लिया और उसमें थोड़ा पानी लिया और पानी का लेवल जहाँ पे आ रहा था ठीक उसी जगह पे उसने ज़ीरो मार्किंग की तो जैसे हम इस फोटो में भी यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद उसने क्या किया वो बोलती है इफ़ आई ड्रॉप फाइव मार्बल्स इन दिस ग्लास कैन यू गेस वॉट विल बी द लेवल ऑफ वाटर मतलब कि जब भी हम पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि पानी थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है आपने भी नहाते टाइम अगर बचपन में टब भर के पानी लिया और उस टब में बैठ गए हो तो क्या आपने ऑब्जर्व किया था कि पानी पूरा टब से छपंग करके बाहर आ जाता है और क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि नहाते टाइम अगर बाल्टी में पूरा एकदम यहाँ तक आपने पानी को भर लिया है और फिर आप एक मग को डुबा के पानी लेना चाहें तो जैसे ही आप मग इसमें डालते हैं मग को अंदर डालते ही ये पानी बाहर आने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मग ने पानी के थोड़े जगह को ले लिया है पानी के थोड़े स्पेस को मग ने ले लिया है और इसीलिए अब इस जगह पे जो पानी था वो पानी कहाँ जाएगा वो पानी बाहर आ जाएगा क्योंकि इस ग्लास में पानी बाहर तक तो नहीं आ सकता लेकिन जब भी हम कोई भी चीज़ इसके अंदर डालेंगे तो उस जगह के अंदर का पानी थोड़ा बाहर आने की कोशिश करता है और इसीलिए इसका लेवल अप हो जाता है तो वहीं पे सारी का बोल रही है कि अगर मैं पांच मार्बल्स यानी कि पांच कंचे मार्बल्स तो पता है ना ग्लास के बीड्स होते हैं ऐसे गोल गोल से कंचे ऐसे पांच कंचों को अगर मैं इस ग्लास ऑफ वाटर में डालूँगी तो क्या तुम बोल सकते हो कि पानी का लेवल कहाँ तक आएगा तो जब हम पानी में इसके अंदर कंचों को डालेंगे तो एक कंचा यहाँ पे एक कंचा यहाँ पे तो पाँच कंचे थोड़ा थोड़ा जगह ले लेते हैं तो इस जगह पे जो पानी मौजूद था वो पानी कहाँ जाएगा वो पानी धक्का मार के थोड़ा ऊपर की ओर आ जाएगा और नया पानी का लेवल बन जाएगा कुछ इस तरीके से और सारिका इस लेवल को भी मार्क करती है और तो सबसे पहले अपने फ्रेंड को पूछती है क्या तुम बता सकते हो गैस कर सकते हो कि पानी का लेवल कहाँ आएगा तो फ्रेंड बोलता है आई थिंक दिस मच शायद यहाँ तक आएगा तो सारिका ने भी जब पांच मार्बल्स को ग्लास के अंदर डाला तो नया लेवल जो आया वो उसने पांच मार्बल्स के तौर पे मार्क किया तो जैसे देखिए ये पहला वाला जीरो वाला लेवल था और कंचों को डालने के बाद पानी जब धक्का लगा के ऊपर आ गया तो नया जो लेवल बना वो लेवल को उसने क्या नाम दिया दैट वॉज द लेवल ऑफ फाइव मार्बल्स तो सारिका के फ्रेंड ने जो गेस्ट किया था वो गेस्ट तो सही निकला अब सारिका पूछती है कि अरे तुम्हारा गेस्ट तो एकदम करेक्ट है डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ द मार्बल क्या तुम्हें मार्बल का वॉल्यूम पता था जो तुम्हारा आंसर इतना करेक्ट आया तो ये बच्चा भी सोचता है कि अरे ये वी ओ एल यू एम ई वॉल्यूम ये वॉल्यूम आखिर होता क्या है तो सारी का बोलती है सी ईच मार्बल पुशेस अप सम राइट दैट इज बिकॉज इट टेक्स अप सम स्पेस एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम तो मतलब इन कंचों ने पानी के ग्लास के अंदर कुछ कुछ जगह ले रखी है इसी जगह को ले लेने की वजह से इस जगह का पानी थोड़ा ऊपर आ गया और कंचे ने जो जगह ले ली इसी जगह को कंचे का वॉल्यूम बताया गया है ना वॉट इज वॉल्यूम इसके ऊपर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ सो इफ आई ड्रॉ अ शेप लाइक दिस यू ये क्या है तो आप बोलेंगे ये एक रेक्टेंगल है अब अगर मैं ऐसा एक शेप बना के आपको पूछूं कि ये कैसा शेप है तो आप बोलोगे ये एक क्यूबॉयड है क्यूबॉयड के बारे में भी आपने पढ़ा है वॉट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन दिस शेप एंड दिस शेप ये एक टू डायमेंशनल शेप है और क्यूबॉयड एक थ्री डायमेंशनल शेप है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में थ्री डी या फिर टू डी भी बोल सकते हैं अगर हमें रेक्टेंगल का मेजरमेंट लेना है तो हम क्या बोलेंगे इस कोने से लेकर इस कोने तक ये उसका लेंथ है और इस साइड से लेकर इस साइड तक ये उसका ब्रेथ है और अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो उसका भी अपने फॉर्मूला पड़ा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एरिया इज द स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट स्पेशली अगर इस रेक्टेंगल का मैं एरिया पूछूं मतलब इस रेक्टेंगल ने जितनी जगह घेर के रखी है वो होगा इसका एरिया अच्छा अगर मैं आपको पूछूं कि इस क्यूबॉयड ने कितनी जगह घेर के रखी है क्या हम इस क्यूबॉयड का एरिया निकाल सकते हैं अगर मेजरमेंट की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि इस कोने से लेकर इस कोने तक ये इसका लेंथ है और इधर से लेकर इधर तक ये इसका ब्रेथ है तो अगर मैं लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कर दूंगी तो क्या मुझे एरिया मिलेगा एरिया तो मिलेगा लेकिन मुझे सिर्फ ये जो नीचे वाला पोर्शन है लोअर पोर्शन जो जमीन पे बैठा हुआ है उस जगह जितना एरिया मिलेगा लेकिन ये तो एक थ्री डायमेंशनल शेप है मतलब इसकी थोड़ी ऊंचाई है लंबाई है इस लंबाई की वजह से ऊपर इसने जितना जगह घेर के रखा है वो मुझे कैसे पता चलेगा वो टोटल ही तो इस पूरे क्यूबॉयड थ्री डायमेंशनल शेप का एरिया है क्योंकि ये क्यूबॉयड इस रेक्टेंगल की तरह चपटा तो नहीं है कि सिर्फ इतने से एरिया को हम निकाल लेंगे और आंसर लिख देंगे इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसके हाइट को भी कंसिडर करना पड़ेगा ये है इसकी हाइट दैट मीन्स अगर किसी थ्री डायमेंशनल शेप ने जितनी जगह घेर के रखी है उसने कितना स्पेस कवर किया है वो मैं निकालने जाऊंगी। तो उसे हम कहेंगे उस चीज़ का वॉल्यूम और यही है इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट कि हम जब भी टू डायमेंशनल शेप का एरिया स्पेशली रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ होता है लेकिन हम अगर थ्री डायमेंशनल शेप का एरिया निकालना चाहेंगे तो वो हम वॉल्यूम बोलेंगे उसको और इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट क्योंकि इसमें ये जो हाइट है ये एक्स्ट्रा है और इसी हाइट की वजह से वॉल्यूम बदलता रहता है अगर यही क्यूबॉयड इसी क्यूबॉयड को मैं खींच के थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो मतलब लेंथ और ब्रेथ तो देखिए सेम ही रहा लेकिन उसकी हाइट बढ़ गई है उसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है तो अगर मैं सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके ही एरिया निकालती तो वो तो सेम ही रहता लेकिन ये वाला क्यूबॉयड पिछले वाले क्यूबॉयड की तरह तो नहीं है ये थोड़ा हाइट में बड़ा क्यूबॉयड है और इसका हाइट भी जब हम कंसिडर करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए तब हमारा आंसर भी डिफरेंट आएगा दैट इज वाई वॉल्यूम इज द स्पेस कवर्ड बाई एनी थ्री डायमेंशनल वी टेक इट एज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट उसके बाद आपके टेक्सट बुक में एक्टिविटी है जो आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा यू हैव टू मेक अ गेस एनी वेज डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ टेन फाइव रूपी कॉइन्स विल बी मोर देन दैट ऑफ टेन मार्बल्स यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर में मान लीजिए ये जो जीरो वाला लेवल है यहाँ तक पानी है कोई भी सामान हम जब इसके अंदर डालेंगे तो उस सामान की वजह से क्या होगा उस जगह का जो पानी होगा वो थोड़ा पुश अप हो जाएगा थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा और ऊपर की तरफ आके कितना आएगा यहाँ पे मेजरिंग ग्लास होने की वजह से यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखा है यह ज़ीरो है लेवल यह है फाइव मिली लीटर यह है टेन मिली लीटर फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड थर्टी फाइव मिली लीटर जो कि आपने पढ़ा है लिक्विड्स को हम लीटर मिली लीटर में मेजर करते हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये फाइव रुपयी का कॉइन छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं अगर हम दस फाइव रुपयी के कॉइन्स को इसके अंदर डालेंगे तो पानी जितना ऊपर होगा ना क्या वो टेन मार्बल्स को डुबोने जितना होगा या फिर उससे मोर देन होगा तो ये आपको गेस वर्क लगाना है कहने का मतलब ये है कि मार्बल्स क्या ज्यादा जगह लेता है पानी के अंदर फाइव रुपी कॉइन से भी ज्यादा अगर ज्यादा जगह लेता है आपको लगता है तो आप मोर की वजह से यस yes लिखेंगे और अगर आपको लगता है कि नहीं मार्बल्स कम जगह लेते हैं पानी के अंदर कंपैरिजन टू द फाइव रुपी कॉइन तो आप उसके आंसर में नो no लिखेंगे गेस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो सबसे पहले अब बॉल इज नियरली डैश मार्बल्स मतलब अगर आपने एक बॉल लिया तो बहुत अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप के बॉल्स लेते हैं किसी के पास प्लास्टिक बॉल होगा किसी के पास टेनिस बॉल होगा नहीं तो किसी के पास रबर का बॉल होगा वो बॉल अगर पानी में हम डालेंगे तो क्रिकेट बॉल भारी टेनिस बॉल ये सब चीज़ें नीचे डूबेंगी और उससे पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि एक बॉल को पानी में डालकर पानी का लेवल जितना ऊपर होता है तो कितने मार्बल्स को डालकर हम पानी का लेवल उतना ही ऊपर कर सकते हैं उतने मार्बल्स हमें लिखना है तो क्योंकि ये गेस वर्क है सो आई गेस नियरली 20 मार्बल्स 19 टू 20 मार्बल्स डालने पे पानी लेवल जितना ऊपर आएगा एक बॉल डाल के भी एक भारी सा बॉल डाल के भी पानी का लेवल उतना ही ऊपर जाएगा सेकेंड इज़ एन इरेजर इज नियरली डैश मार्बल्स एक इरेजर जो होगा आपका वो तो हल्का ही होगा सो मे बी टू और थ्री मार्बल्स के बराबर होगा एक नींबू कितने मार्बल्स के बराबर होगा जब हम उसको पानी में डुबोएंगे तो मुझे लगता है अराउंड थ्री टू फोर मार्बल्स के बराबर होगा नींबू तो थोड़ा बड़ा होता है अलग अलग साइज़ का भी होता है पेंसिल थोड़ा हल्का होता है तो पेंसिल भी आई थिंक नियरली टू टू थ्री मार्बल्स के जितना होगा अब पोटैटो पोटैटो थोड़ा भारी हो जाता है सो आई थिंक अराउंड एट टू टेन मार्बल्स को डुबोने जितना ही पानी जितना ऊपर आएगा एक पोटैटो को जब हम पानी में डालेंगे तो पानी उतना ही ऊपर आएगा

तो आपको फिर उसके अंदर पांच मार्बल्स डालने हैं इस तरीके से और मार्बल्स डालने के बाद पानी का लेवल जितना ऊपर हो जाएगा उस लेवल को आपको फाइव मार्किंग करना है देन अगेन ड्रॉप फाइव मार्बल्स एंड मार्क द लेवल एज टेन फिर से पांच और मार्बल्स को अंदर डालिए और जो नया वाटर लेवल होगा उसे आपको टेन मार्क करना है लाइकवाइज मेक द मार्किंग फॉर 15, 20, 25, 30 थर्टी एंड थर्टी और उसी तरीके से जब पानी का लेवल ऊपर ऊपर आता जाएगा आपको 15, 20, 25 और 30 एम लिख के सारे मार्किंग को पूरा करना है नाउ यू हैव टू पुट ईच थिंग्स इन द मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेस आपको अलग अलग चीज़ों को ड्रॉप करना है जैसे मैच बॉक्स स्टोन और फिर देखना है कि पानी का लेवल कितना आ रहा है और उसी चीज़ को हमें इस टेबल में लिख लेना है तो आप अलग अलग चीज़ें जैसे मैच बॉक्स स्टोन पोटैटो शार्पनर टोमेटो एक्सेट्रा ले सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू माई गैस मैच बॉक्स जब आप डालेंगे तो मुझे लगता है अराउंड फाइव से टेन के बीच में सिक्स एम तक सिक्स एम एल तक ये पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा स्टोन क्योंकि थोड़ा भारी होता है लेकिन आप डिपेंड करते हैं कि हाउ बिग एंड हाउ स्मॉल आप ज़्यादा बड़ा स्टोन लेंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा मैच बॉक्स भी अगर आप बड़े साइज का ले रहे हैं तो उसका भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये आंसर सबका अलग अलग ही आएगा तो अगर आप एक छोटा सा लगभग एवरेज साइज का स्टोन लेते हैं तो 5 एम तक उसका वाटर लेवल बढ़ सकता है पोटैटो अगेन बिग एंड स्मॉल किस टाइप का आप पोटैटो लेते हैं उसके हिसाब से पोटैटो में भी एट मार्बल्स के बराबर होगा यहाँ पे एम का मतलब मार्बल है दैट मीन्स जब हम आठ मार्बल डुबो के पानी का लेवल जहाँ तक बढ़ाएंगे एक पोटैटो को भी डुबो के पानी का लेवल ठीक वहीं तक बढ़ेगा ये एम का वही मीनिंग हुआ शार्पनर क्योंकि छोटी चीज होती है हल्की होती है उसका वॉल्यूम भी कम होता है तो मेरे ख्याल से दो से तीन मार्बल के जितना ही उसका वॉल्यूम आया गया नेक्स्ट इज विच हैज मोर वॉल्यूम कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ सिक्स मार्बल्स इन मिली मेजरिंग yes, बॉटल तो आपको याद होगा आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में मेजरिंग बॉटल बनाया था टू हंड्रेड फिफ्टी मिली लीटर से टू हंड्रेड फिफ्टी मिली लीटर से हम अगर चार बार भर के किसी बड़े से चीज में डालेंगे तो हमारे पास वन लीटर तक बन जाएगा तो उसी तरीके से कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ मेजरिंग बॉटल विच कैन मेजर टेन एम एल ट्वेंटी एम एल थर्टी एम एल सिक्सटी एम एल एक्सेट्रा तो जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या यूज़ किया है आई टू अ फाइव एम एल वंस इन माई इंजेक्शन तो अगर आपने इंजेक्शन देखा है इस इंजेक्शन में भी मेजरिंग लिखा हुआ होता है जैसे आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्योंकि मेडिसिन बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी में दिया जाता है इसलिए इतने छोटे छोटे मेजरमेंट्स भी यहाँ पे दिया है जैसे सिरिंज से जब हम मेडिसिन को पुल करेंगे तो मेडिसिन यहाँ से लेकर यहाँ तक वन मिलीमीटर वन एम एल यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्री मिली लीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर मिली लीटर यह है फाइव मिली लीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक है सिक्स मिली लीटर तो यहाँ पे बच्चा बोल रहा है अगर मैं अपने इंजेक्शन में एक बार पानी लेता हूँ तो वो मैं फाइव मिली लीटर पानी लेता हूँ दूसरी बार जब मैं वही इंजेक्शन भर के पानी लूँगा तो मेरे पास टोटल कितना आएगा टेन मिली लीटर तो एक ग्लास में अगर मैंने एक बार इंजेक्शन भर के पानी डाला तो मेरे पास टेन मिली लीटर आया दूसरी बार मैंने जब इंजेक्शन भर के पानी डाला मेरे पास टोटल 10 मिलीलीटर आ गया तो 10 मिलीलीटर का मेजरमेंट मैं इस तरीके से बना सकता हूँ और फिर 10 को मैं फिर से डबल कर दूंगा 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। इस तरीके से हम हमारा ओन मेजरिंग कप बना सकते हैं तो नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में वही एक्टिविटी है मॉली यूज्ड हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फाइव रूपी कॉइन्स फाइव रुपी कॉइन्स का कितना वॉल्यूम है मतलब फाइव रुपी कॉइन ने पानी के अंदर कितना जगह घेर के रखा है वो हम पता कर सकते हैं पहले हमें मौजर... पहले हमें मेजरिंग बॉटल बनाना पड़ेगा शी फाउंड दैट नाइन फाइव रुपी कॉइंस पुश अप टेन मिली लीटर ऑफ वाटर तो मॉली ने जो मेजरिंग बॉटल बनाया था सबसे पहले उसने टेन मिली लीटर की मार्किंग की और फिर जब उसने नाइन फाइव के कॉइन डाले इसके अंदर तो उसने क्या देखा ये जो पानी का लेवल है ये बढ़ के ऊपर आ गया था मतलब कि जहाँ पे 20 मिलीलीटर लिखा था वहाँ तक आ गया था सो दैट इज़ वाई शी सेट दैट पानी का लेवल 10 से 20 हो गया इसका मतलब वो 10 मिलीलीटर बढ़ गया तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 95 फाइव रुपी कॉइन का जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में अगर हम लिखेंगे तो उसे हम 10 मिलीलीटर में लिखेंगे तो उसी तरीके से हमें हमारे खुद के मेजरिंग बॉटल को यूज़ करके इन सभी चीज़ों के वॉल्यूम लिखने हैं मिलीलीटर में सो फर्स्ट वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ सिक्स मार्बल्स तो आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा सिक्स मार्बल्स को अगर हम मेजर करेंगे तो सेवन मिलीलीटर जितना आएगा मतलब कि सिक्स मार्बल्स को अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी सेवन मिलीलीटर तक ऊपर आ जाएगा दैट मीन्स सिक्स मार्बल्स ने सेवन मिलीलीटर जितना वॉल्यूम सेवन मिलीलीटर जितना स्पेस घेर लिया है सेवन मिलीलीटर जितनी जगह घेरने की वजह से ही पानी सेवन मिलीलीटर ऊपर आ गया यही है इस फिल इन द द द ब्लैंक्स का मतलब लेट सी नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ सिक्स वन रूपी कॉइन तो आप जब सिक्सटीन वन रुपी कॉइन को पानी में डालेंगे तो कितना मिलीलीटर पानी ऊपर आ जाएगा अराउंड नाइनटीन मिलीलीटर पानी ऊपर आ जाएगा सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी फोर मार्बल्स वेन यू विल फाइंड आउट यू विल फाइंड आउट इट टू बी अराउंड ट्वेंटी एट मिली लीटर वॉल्यूम ऑफ थर्टी टू वन रुपी कॉइन कितना आएगा नियरली थर्टी सिक्स मिली लीटर तक पानी ऊपर आ जाएगा देन मॉली पुट्स सम फाइव रुपी कॉइंस इन द मेजरिंग बॉटल हाउ मेनी कॉइंस हैज़ शी पुट इन अगर इफ थर्टी एम एल वाटर इज पुश्ड अप तो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये जो सम है सम फाइव रुपी कॉइन ये कितना सम कितना फाइव रुपी कॉइन है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मौली ने कुछ फाइव रुपी के कॉइन डाले मेजरिंग बॉटल में और फिर थर्टी एम पानी ऊपर आ गया तो आपको बताना है कि उसने कितने फाइव रुपी के कॉइन डाले तो अगर आपको याद है हमने थोड़ी देर पहले इस स्टेटमेंट में पढ़ा था मौली ने जब नाइन फाइव के कॉइन डाले थे तब टेन एम पानी ऊपर आ गया था तो उसको मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पे लिख देती हूँ नाइन फाइव रुपये के कॉन्स जब उसने डाले तो टेन मिलीलीटर पानी ऊपर आ गया था अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं इफ़ थर्टी मिलीलीटर इज इज़ अप मतलब अगर थर्टी मिलीलीटर ऊपर आ गया है तो उसने कितने कॉइन डाले यहाँ पे तो इस तरीके के सम्स हम कैसे करते हैं तो देखिए अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो अगर मैं अपने राइट हैंड साइड में कुछ भी नंबर बढ़ाती हूँ उतना सेम नंबर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ाऊंगी तभी तो ये दोनों इक्वल टू होंगे तो टेन को हम थर्टी कैसे बना सकते हैं टेन को अगर हम मल्टीप्लाई बाई थ्री करते हैं मैं ये बड़ा कर लेती हूँ टेन मल्टीप्लाई बाई थ्री थर्टी एम होता है तो इस तरफ भी हमें मल्टीप्लाई बाई थ्री करना पड़ेगा एंड वॉट इज नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेंटी सेवन होता है ट्वेंटी सेवन कॉइंस तो 30 मिलीलीटर पानी तभी ऊपर आएगा जब मौली 27 सेवन कॉइंस डालेगी और वही हमें यहाँ पे लिखना है हाउ मेनी कॉइंस शी हैज पुट इन इफ 30 मिलीलीटर वाटर इज पुस्ड शी हैज पुट 27 सेवन कॉइंस और अगर पानी 60 मिलीलीटर ऊपर आया है तो उसने कितने कॉइन्स डाले होंगे तो यहाँ पे सेम चीज देखिए 30 को हम 60 कैसे बना सकते हैं 60 एम कैसे बना सकते हैं 30 को अगर हम मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे दैट इज़ डबल करेंगे तो हम 60 मिलीलीटर बना सकते हैं दैट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई बाई टू करना पड़ेगा एंड वॉट इज़ 27 सेवन मल्टीप्लाई बाई टू वो होता है 54. 54 फ़ोर कॉइंस जब हम डालेंगे तो पानी 60 एम ऊपर आएगा सो हियर वी विल राइट 54 फ़ोर कॉइंस एंसर so let us move on to our next question first guess and then use your measuring bottle to find out volume in milliliter of some other things तो हमें इस टेबल में कुछ और सामान के नाम लिखने हैं और उनको जब हम पानी में डालेंगे तो पानी का लेवल कितना ऊपर आ जाएगा वो हमें मेजर करके लिखना है इन मिलीलीटर और वो होगा उस सामान का वॉल्यूम तो मैंने कुछ यहाँ पे सामान लिए हैं जैसे आपका जो स्केल है रूलर जब आप उसको पानी में डालेंगे तो ज्यादा आपको फर्क नहीं नजर आएगा टू टू थ्री एम ही पानी का लेवल बढ़ेगा मग जब आप डालते हैं जैसे आपका बड़ा वाला नहाने के टाइम आप जो मग यूज करते हैं वो वाला मग तो उसमें करीब 20 मिलीलीटर तक पानी का लेवल अप हो जाएगा क्लासरूम में जो डस्टर यूज होता है अगर उसे आप पानी में डालेंगे तो लगभग 8 टू 10 मिलीलीटर तक पानी अप हो जाएगा और अगर आप कोई पेन डालेंगे तो फाइव टू सिक्स मिलीलीटर तक पानी अप हो जाएगा सो so, इस तरीके के तो क्वेश्चन में नहीं आएंगे ये आपके सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड है एग्जाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट इसी चीज को फॉलो करके सारे वर्ड प्रॉब्लम का आंसर निकालेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये हम कवर करेंगे हमारे अगले पार्ट में क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है सो वी विल मीट वेरी सुन Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.